डॉक्टर सवीन एहसन और अमीर मुराद साहब वेदान ग्रुप के अंडर बीइंग अलाइव फाउंडेशन में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिससे 90 लाख रुपीस तक की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी। बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, वो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं दे पा रहे। तो किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बरेली में इतनी खूबसूरत चीज़ सबके लिए है। ये हमारी इल्तिजा आपसे भी है, आपके चैनल से, आप सभी सपोर्टर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और इस एग्ज़ाम का फ़ायदा लें और इसे फेस पाएं। नीट और आईटी की जो वो कोचिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो बच्चियाँ गरीब हैं उनके इस प्रोजेक्ट से उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो अपने मुस्तकबिल को संवारेंगी। सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट करें ताकि बरेली और आसपास के शहरों के बच्चों को वो एजुकेशन मिल पाए जो हमें उन्हें देनी चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में बीइंग लाइफ फाउंडेशन और वेदांत ग्रुप एक ऐसी कोशिश करने जा रहे हैं जिससे किसी भी गरीब बच्चे या बच्ची की पढ़ाई पैसों के अभाव में बंद नहीं होगी। 2000 बच्चों के लिए 90 लाख की स्कॉलरशिप का इंतजाम किया गया है। 9th से लेकर 12th तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। बरेली के साथ आसपास के बच्चों के लिए भी मौका है कि वह अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें। इसके साथ ही इस्लामी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को पढ़ाई के साथ SSC की तैयारी भी कराई जा रही है दिल्ली और हैदराबाद से एक्सपर्ट बुलाकर, ताकि वो पढ़ने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार में खुशहाली ला सकें। आइए आपको इस शानदार पहल का खाका खींचने और उसे ज़मीन पर उतारने वाली शख्सियत से मिलवाते हैं। सैयद जसीम, हम लोग की एक बीइंग अलाइव NGO है जो बरेली की एक बहुत नामी ग्रामी एसोसिएशन है, जिसमें डॉक्टर सवीन एहसन और डॉक्टर अमित साहब जिसको रन कर रहे हैं, 2-3 साल से एजुकेशन की फील्ड में और वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक SSC का फ्री बैच लगाया था यहाँ पर, जिसमें पूरे साल ट्रेनिंग चली है दिल्ली और इलाहाबाद के टीचर्स से, जो कि इस्लामिया गर्ल्स में स्कूल के बाद रोज़ लग रहा है। इस बार डॉक्टर सवीन एहसन और अमीर मुराद साहब वेदान ग्रुप के अंडर बीइंग अलाइव फाउंडेशन में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिससे 90 लाख रुपीस तक की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप में हम लगभग 2000 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 200 बच्चे को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी और बचे हुए बच्चों को भी 50 से लेकर 80% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन देयर परसेंटेज। इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंशियल है। आने वाले टाइम में हम लोग आने वाले 2-3 सालों में इसमें रहना खाना सब कुछ फ्री करेंगे, जो बच्चे लगातार पढ़ना चाह रहे हैं वो। इसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और 12 के पास आउट बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बस सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट करें ताकि बरेली और आसपास के शहरों के बच्चों को वो एजुकेशन मिल पाए जो हमें उन्हें देनी चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं। तो इन 200 बच्चों को जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकियों का भी स्कॉलरशिप बेस्ड है, इसका कंसेप्ट यही है कि कोई बच्चा इससे रह ना जाए, सबको इसका फेस मिल पाए, सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। मैं डॉक्टर सवीन एहसन हूँ और मैं वेदान की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बीइंग अलाइव फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और हर दिल हर जुबान मेरा टॉक शो है। और हम लोग ने लास्ट ईयर एक इनिशिएटिव लिया था जो कि हमने SSC एग्ज़ाम यहाँ पे इस्लामिया में स्टार्ट कराया था और उसकी जो आज उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं क्योंकि उन बच्चों तक जो कि स्कूल के बाद में 1 घंटा उनकी एक्स्ट्रा क्लास होती है और उनको फोकस किया जाता है। तो मैं इस्लामिया स्कूल की भी बेहद तारीफ करना चाहूँगी कि वो बच्चों को लगन के साथ और अपने पूरे उसके साथ वो पढ़ा रहे हैं। और अब हम ने जो इस साल हमने लेके आए हैं, हम सबसे बड़ा हमारा जो मतलब एक होता है कि आप ज़िंदगी में ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब आपका पूरा होता है, क्योंकि जब आप अच्छा करना चाहते हैं और आप ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कल अच्छा करना है, हमें आज से अभी से अच्छा करना है। तो ये है कि हमने 200+ बच्चों की स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करी, जिसमें कि बच्चे जो हैं वो तैयार हों अपने मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए और जितने भी उनके एग्ज़ाम्स हैं, जो कि वो परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, वो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो उनको नहीं करा पा रहे, सपोर्ट नहीं दे पा रहे। तो किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बरेली में इतनी खूबसूरत चीज़ सबके लिए है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम शेयर करते हैं और जब हम अपनी बात दूसरे को बताते हैं तो वो तो आगे बढ़ते ही बढ़ता है और साथ में जो आपका कारमा है वो आपसे जुड़ता चला जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हमें ज़िंदगी में फोकस्ड रहना है और हमेशा हमें वो करना है ज़िंदगी में कि जो हमें ऐसा लगे कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं और हम कैसे करेंगे। तो आप देखें, जब भी आप अच्छा कुछ कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर से आपके लिए एक तोहफ़ा आता है और जब वो तोहफ़ा आता है तो आपको आप हैरान रह जाते हो कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया और ये मेरे पास ये चीज़ कैसे आ गई। तो ये होता है कि हमें जो है अल्लाह जो है वो तोहफे देता रहता है और बच्चों को भी इसी तरीके से आगे, बस मेरी दुआ है कि हमसे सब जुड़ते चले जाएं और जो ये कारवां है जितना खूबसूरत है उसको और खूबसूरत बनाते चले जाएं। ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो बीइंग अलाइव एकेडमी के थ्रू हम लोग यहाँ कर रहे हैं।
बीइंग अलाइव फाउंडेशन जो है उसने ये पहल की है और वेदांत ग्रुप इसमें फुल सपोर्ट में उनके साथ कर रहा है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम हम लोगों ने पिछले साल भी एक प्रोग्राम यहाँ पर किया था और हम लोगों ने SSC एग्ज़ाम्स के लिए पिछले पूरे एक साल हम लोगों ने यहाँ एक ट्रेनिंग स्टार्ट की थी जो एक स्कूल ख़त्म होने के बाद एक घंटे की क्लास थी वो SSC एग्ज़ाम्स जिससे कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी ना किसी वजह से ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं और फिर आगे कंटिन्यू नहीं करते पढ़ाई और कहीं ना कहीं फिर वो एक रोज़गार क्रिएट नहीं होता। तो ये हमारी पहल जो थी वो एजुकेशन के साथ रोज़गार की भी थी कि बच्चों को हम लोग फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और इस्लामिया स्कूल में पिछले एक साल से, और जब वो ट्रेनिंग के बाद जैसे ही वो एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं और ज़्यादा बच्चे उसमें सिलेक्ट होते हैं, IAS में, नीट में कम बच्चों को पता है, SSC एग्ज़ाम्स में ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा सीट्स हैं। तो जैसे ही वो एग्ज़ाम्स देते हैं और हम ट्रेनिंग जिस तरह की करा रहे हैं, ट्रेनिंग हमारी जो हो रही है वो दिल्ली में और लखनऊ में एक टीम है उसके साथ ऑनलाइन पूरी यहाँ पर कोचिंग होती है और यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, और जब वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनको 40-50 हज़ार की, 30 हज़ार की, 35 हज़ार की नौकरियाँ लगती हैं। तो आप ये सोचिए वो एक बच्चे को नौकरी नहीं लगती, उसका पूरा घर सेटल डाउन होता है, और उस घर को सिर्फ सेटल डाउन नहीं होता है, उसको तो रोज़गार मिलता है, उसके बराबर वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, वो सब भी मोटिवेट होते हैं, और वो जब मोटिवेट होते हैं तो आप सोचिए पूरा एरिया, एक पूरा एक मिशन नया तैयार होता है और लोग पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं और रोज़गार की तरफ बढ़ते हैं। तो बस यही हमारी मुहिम है। पिछले साल हमने ये किया था, इस साल हम लोग 200 बच्चों का स्कॉलरशिप ला रहे हैं जिसके अंदर हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को कोचिंग दिलाएंगे 100% स्कॉलरशिप के साथ। उन 200 बच्चों को दो की इस एग्ज़ाम में टॉप नंबरों से पास होंगे और वो 200 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप रही। उसके बाद भी जो बच्चे अगर आएंगे, 300 बच्चे होते हैं, 400 बच्चे, उनको भी हम 80% तक की, 50% तक की स्कॉलरशिप्स मिनिमम देंगे डिपेंडिंग ऑन देयर मार्क्स। तो यह इस पहल से हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, और ये हमारी इल्तिजा आपसे भी है, आपके चैनल से, आप सभी सपोर्टर्स से, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और इस एग्ज़ाम का फ़ायदा लें और इसे फेस पाएँ, और जिससे कि बच्चों को एक एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका मिले, नीट IIT में क्लियर करें, तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाएं और आगे मुस्तकबिल अपना अच्छा करें। जो उनके ख्वाब हैं उन ख्वाबों को पंख देने में हमारी कुछ कोशिश है, बस यही बात है। उम्मीद करता हूं इससे लोगों को खूब फैज़ मिले और दुआएं मिले हम सबको। जी, मिसेस चमन जहाँ, प्रिंसिपल इस्लामिया गर्ल्स सेंटर कॉलेज। आज हमारा जो प्रोग्राम है SSC की जो निःशुल्क कोचिंग ज़कात फाउंडेशन और डॉक्टर अमित जो वेदांत ग्रुप के MD हैं उनके सहयोग से यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए स्टार्ट की गई, उसके आज ओपनिंग थी। इसके अलावा डॉक्टर अमित साहब एक वेदांत ग्रुप के माध्यम से एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं 200 बच्चों का स्कॉलरशिप का, उसका आज यहाँ पर उन्होंने बच्चों को प्रेजेंट किया है, बताया है बच्चों को। इसके अलावा नीट और IIT की जो वो कोचिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें बच्चियां और बच्चे दोनों ही निःशुल्क कोचिंग लेंगे, उसके बारे में बताने आए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो बच्चियां गरीब हैं उनके इस प्रोजेक्ट से उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो अपने मुस्तकबिल को संवारेंगी। मैं डॉक्टर सबीन साहब का, डॉक्टर अमीर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए सोचा और अपना, हमारे इस कॉलेज को बहुत बड़ा योगदान दिया।